है जो कुछ रहा है तो कुछ अब उल्टा सी चल रहा है, लड़का बच्चा जी रहे हैं। खेती बाड़ी में कोई कुछ नहीं बचा है। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी तो बड़ी अनमोल है। अनमोल आपको दिख भी रही होगी इन तस्वीरों में, उन बाबा की बातों में, उस माँ की शब्दों में कि कुछ ठहर से गया है, यहाँ पर कुछ रुक से गया है जो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक नाव है केवट की जो उसे खेवे जा रही है, चले जा रही है कुछ जिंदगियों को इस पार से उस पार करने की जद्दोजहद में वो जिए जा रही है। इन्हीं के भरोसे है, हाथ में ये बांस का डंडा नाव की रफ्तार को तेज कर रहा है। तेज इसलिए कर रहा है कि कहीं कोई डूब न जाए। एक लंबे समय से यहाँ पर जो बाढ़ का जो पानी है वो भरा हुआ है। सीतापुर से हाईवे से जैसे ही आप आगे आ जाएंगे तो सुल्तानपुर यहाँ पर गांव पड़ता है, बहादुर खड़ा, जो वहाँ पर जाने के लिए तमाम लोग जब वहाँ से घर का रास्ता तय करते हैं तो उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ता है। सोचिए अपने घर जा रहे हों वो भी नाव के सहारे, तो मुश्किल कितनी जिंदगी हो जाती होगी। रेठ नदी अपने उफान से होती हुई इन गरीबों के आशियाने को तोड़ती हुई अंदर तक घुस गई है। गनीमत है उस केवट की जो नाव को खेते हुए लोगों को संकट से बचा रहा है। उसने भगवान को भी तो पार कराया था भवसागर। उसी केवट के सहारे ही यहाँ पर सभी लोग कहीं ना कहीं रोजाना अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। आँखें सोनी हैं, पानी में वो नमी है जो इनकी आँखों की नमी के साथ मिल जाती है और हर रोज एक नई दास्तान कहती है। दास्तान उस बात की कहती है कि कभी तो तू जाएगा फिर लौट के आएगा, लेकिन उस लौटने में और जाने में इनकी ज़िंदगी भी पानी पानी हो रही है। फसलें डूब गई हैं, किसान के घर ये जन्म लेने वाली फसलें हम तक पहुंचती हैं, लेकिन सोचिए जब ये फसलें हम तक नहीं पहुंचेंगी तो महंगाई कहां पर जाके टिकेगी। बच्चे और अपनी माओं के साथ में घबराहट के साथ में रोजाना सफ़र तय करते हैं। बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। किनारे पे जमी हुई काई और बीच की यह सूखी सी रोड नज़र आने वाली अभी भी इंतज़ार करती है कि उसके ऊपर से कुछ लोग कदम चल के आगे की तरफ जाएंगे। किनारे बसे हुए नदी के गांव के बीच में अभी भी इंतजार है कि कोई तो आएगा, कोई तो उनकी खोज खबर लेगा। न कोई सियासी गलियारे से, न पट्टी, न तहसीलदार, जिनका वो इंतजार कर रहे हैं।